कृपा वार्ता कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश परमेश्वर के द्वारा देख लिया गया। तब उसने यहोवा का नाम रखकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। उत्पत्ति अध्याय 16 पद 13। मेरे पहले चश्मे ने मेरी आंखों को एक साफ संसार देखने के लिए खोल दिया था। मुझे निकट की वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु चश्मे के बिना कमरे से बाहर या कुछ दूरी पर चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। 12 साल की आयु में मेरे पहले चश्मे से ब्लैकबोर्ड पर शब्दों को, पेट पर छोटे छोटे पत्तों को और शायद सबसे अच्छा लोगों के चेहरों पर बड़ी मुस्कुराहट को देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी। जब मैंने मित्रों का अभिनंदन किया तो वे मेरी ओर पलटकर मुस्कुराए। तब मैंने सीख लिया कि दिखाई देना भी देखने की आशीष जितना ही बड़ा उपहार है। तासी हाजिरा ने उस बात को जान लिया था जब वह अपने मालकिन साराय की दयाहीनता से भागी। हाजिरा अपनी संस्कृति में नाचीज थी। वह गर्भवती और अकेली थी और बिना सहायता और आशा के मरुभूमि में भाग रही थी। परमेश्वर को देख लेने के बदले में परमेश्वर के द्वारा देख लिए जाने पर वह सशक्त की गई थी। एक अनजान सिद्धांत के स्थान पर परमेश्वर उसके लिए वास्तविक बन गया। इतना वास्तविक कि उसने परमेश्वर को एक नाम एलरोई दे दिया, जिसका अर्थ है तो एक ऐसा परमेश्वर है जो मुझे देखता है। उसने कहा, अब मैंने उसे देख लिया है जो मुझे देखता है। उत्पत्ति अध्याय 16 पद 13। हमारा देखने वाला परमेश्वर हमें से प्रत्येक को देखता है। आप खुद को अनदेखा, अकेला या नाचीज अनुभव करते हैं? परमेश्वर आपको और आपके भविष्य को देखता है। उसके बदले में परमेश्वर करे कि हम उसे हमारी अनंत आशा, प्रोत्साहन, उद्धार और आनंद हमारे आज और हमारे कल के लिए के रूप में देखे। देखने के इस अद्भुत उपहार के लिए जिससे हम उस सच्चे और सजीव परमेश्वर को देख सकते हैं, आज हम उसकी स्तुति करें। प्रभु, इस विशाल संसार में मैं एक नाचीज व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं धन्यवादित हूँ कि आप ऊपर से मुझे देखते हैं ताकि मैं आपको देख सकूँ। परमेश्वर मेरे नाम को जानता है और मुझे देखता है। परमेश्वर मेरे नाम को जानता है और मुझे देखता है। लेखिका पेट्रिशिया रेबान। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है। अध्याय यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है। 12 फरवरी 2019। धन्यवाद।